नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गांव के बीचों बीच एक मुर्गी फार्म संचालित हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और इस मामले की शिकायत करते हुए उस मुर्गी फार्म को उन्होंने बीच गांव से हटाए जाने की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि उसकी दुर्गंध की वजह से गांव में लोग परेशान हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं। बालाघाट जिले के लालबर्रा नगर मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बमनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोरली का ये मामला है, जहां पर गांव के बीचों बीच गाँव के गजेंद्र बिसेन के द्वारा मुर्गी फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी रखकर अपना व्यवसाय 4-5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। वहीं मुर्गे की गंध से ग्रामीणों को काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत उप सरपंच विष्णु कुकड़े के नेतृत्व में गांव के लगभग आधा सैकड़ा लोगों ने 30 अप्रैल को जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष की। इसकी शिकायत तहसीलदार लालबर्रा और थाना प्रभारी से भी की गई है। वहीं जब नव निर्वाचित सरपंच वासुंतराव ढवाले से शिकायत को लेकर उनका पक्ष रखने के लिए चर्चा करने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जबरदस्ती उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में क्या? हाँ देखिए सर, मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ, आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ। समूह के अंतर्गत क्या है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ आय आती है, कुछ आय दिया जाता है। उसके अंतर्गत मात्र मेरा 300 बच्चे, वो भी सीजन बाई सीजन चलता है। इस 250 बच्चे, 250 में से तो वैसे भी 200 बच्चे रहते हैं, बाकी के तो कई वैसे मरमूर के इधर उधर हो जाते हैं। वो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ये भी समूह के अंतर्गत है। अगर आपको ये शायद मेरी बातों पे विश्वास न हो तो आगे तक की भी आप पता कर सकते हैं। और मैं एक अपना रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ और महिला को सशक्त होना है। ये समूह के अंतर्गत है और ये सारी दुनिया भी जानती है कि समूह के अंतर्गत है और मैं एक महिला हूँ और मैं अपना एक बिजनेस करना चाह रही हूँ। सवाल है गंदगी का, तो सीजन बाई सीजन चलता, ऐसा नहीं कि डेली मेरे पास में बच्चे नहीं रहते और स्वयं मैं करती हूँ ये बिजनेस। नहीं तो ये तो नियम में है बिजनेस का, लेकिन ये गांव के बाहर का भी है ना इसमें कुछ? हाँ जी, हमने शिकायत की। कहाँ का शिकायत हुई है? तहसील में किए हैं, थाने में और जनसुनवाई में वाला। शिकायत में क्या लिखा है? कि मुर्गी फार्म खुलने से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग इनको दिक्कत बन रही है। ये कब से है मुर्गी फार्म? ये तो लगभग 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन कम मात्रा में था। हाँ। लेकिन अब दिन ब दिन उनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। तो उनसे संपर्क नहीं करे क्या? किए हमने, एक बार उनका फार्म भी खाली करवा दिए थे कोरोना काल में। हाँ। फिर अगर उनने कुछ दिन बंद रखे, महीना, 4 महीने, 2 महीना, उसका फिर माल डाल दिया। तो आज तारीख तक कोई अधिकारी कोई जांच में नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और मुर्गी फार्म यहीं से बंद हो। यदि नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? नहीं हुई तो क्या करेंगे हम? तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे फिर, क्योंकि बंद तो होना चाहिए। प्रशासन ध्यान दे और इस फार्म को गाँव के अंदर से निकाल कर बाहर करवाए।